भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर इन एजेंसियों की सक्रियता देखते ही बनती है। सचिन पायलट बगावत करते हैं, अशोक गहलोत के भाई के घर पे ही संस्थाएं पहुंच जाती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बगावत करके सरकार बनाते हैं, उनकी सरकार के मंत्रियों के संदर्भ में छापे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर काबिज होती है तो देखने में आता है कि संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। पंजाब में चुनाव आते हैं, चन्नी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके रिश्तेदारों के संदर्भ में कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसी जो तत्परता है, ऐसी जो त्वरित कार्रवाइयाँ हैं, जिसको लेकर आज भूपेश बघेल जी भी बहुत नाराज हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्या कहेंगे इसे? क्या ये शंकाएं निराधार हैं? क्या ये एक अद्भुत किस्म का संयोग ही है कि जहां विपक्ष सरकारें हैं, जहां विपक्षी दलों की कोई प्रभावी मौजूदगी है, वहीं पर इन संस्थाओं की सक्रियता कमाल की है? अपने गठन के बाद जी 5,422 प्रकरण दर्ज किए हैं जी, और 1,00,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त है, उसमें अंतिम निर्णय 58,591 करोड़ रुपए की संपत्ति के दर्ज होने का आ चुका है जी, जब्त होने का आ चुका है। और जहां तक आपका कथन है कि भाई जहां कांग्रेस की सरकारें वहां ईडी कार्रवाई होती है, कांग्रेस नहीं विपक्षी दल की, संशोधित करूंगा, दोषी है उसके खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं को कार्रवाई करने का अधिकार है जी। और माननीय शैलेश जी ने कहा नान की कार्रवाई, पनामा की कार्रवाई, अरे भैया अब तो प्रदेश में आपकी सरकार है 3.5 साल से, किसने रोका है आपको? नान का भ्रष्टाचार अगर उजागर किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एसीबी डॉक्टर रमन सिंह जी के अंदर में थी, उस एसीबी ने नान की कार्रवाई को जनता के सामने प्रकट किया, उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है। अगर हमारी सरकार की संलिप्तता होती तो वो कार्रवाई नहीं होती, जो दोषी थे उन अधिकारियों को आप महिमा मंडित कर रहे हो, हम लोग हमारी सरकार या हमारी पार्टी महिमा मंडित नहीं कर रही है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस के पर्याय की बात जी, क्या तपस्या, कितना त्याग और कितनी तपस्या कांग्रेस के नेताओं ने की है पूरी देश की जनता ने देखा है। त्याग और तपस्या के नाम पे देश को लूटने का काम जी, देश को धोखा देने का काम, देश की परिसंपत्तियों को बिगाड़ने का काम अगर किसी संस्था ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो त्याग, इन्होंने तो सबको बर्बादी किया शिव रतन जी आपके शब्दों में, लेकिन मैं गणेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊं उससे पहले उनके उस आंकड़े के संदर्भ में आपसे पक्ष लेना चाहूंगा। बहुत ही सक्षम किस्म की एजेंसियां हैं, पर गणेंद्र भारद्वाज जी बता रहे हैं मामले दर्ज करते हैं, सनसनीखेज तरीके से अखबारों में चैनलों पर चलवाते हैं, पर जब आरोपियों के संदर्भ में साबित होने का मसला आता है मामले के, तो 0.4% है सक्सेस रेट, मतलब आप 100 मामले दर्ज करते हैं तो उनमें से एक भी दोषी नहीं पाया जाता है, 0.4। इस क्षमता के संदर्भ में, इस चमत्कारिक प्रदर्शन के संदर्भ में शिवरतन जी कुछ कहिए ना आप, इतने प्रखर नेता हैं आप, इतनी विचारवान पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस परफॉर्मेंस के संदर्भ में भी तो कोई टिप्पणी आपकी आनी चाहिए ना। मेरा एक इसमें प्रति प्रश्न है जी, अगर 0.4% इसमें प्रकरण में ये मिला गया माने दोषी पाए जी,